एक चीज रखनी पड़ेगी वो है फेल। क्या है फेल? फेल में मैंने कई बार स्टोरी सुनाई है, फिर एक बार स्टोरी सुना दी, कितने लोगों ने सुनी है, उन्हें सबको रिमाइंडर हो जाएगा। जहाज की यात्रा किस किसने की, कौन कौन उड़ा है? गुड, टर्बुलेंस होती है, कई बार हो जाती है टर्बुलेंस। अमूमन हवाई यात्रा करते हो, अगर चार बार हवाई यात्रा की है तो दो बार टर्बुलेंस की अनाउंसमेंट आई जाती है, आती है। जैसे ही टर्बुलेंस की अनाउंसमेंट आती है, सब लोगों को पता है एयर होस्टेस क्या बोलती है ना। चलो स्टोरी फिर शुरू करते हैं, यानी कहानी आपको थोड़ी सी पता है हवाई जहाज। एक छोटी सी गुड़िया हवाई यात्रा कर रही थी, महज होगी 5-6 साल की, 5-6 साल का बच्चा समझ जाओ कितना हो गया, आपकी गोद में जो बैठा उससे भी छोटा हो गया सर, है ना। उसके बराबर में गबरू जवान, गबरू जवान मतलब हट्टा कट्टा एकदम बॉडी शॉडी जिम विम जाता है एकदम, है स्मार्ट सा बॉय, वो बैठा हुआ है। अब एकाएक हवाई यात्रा एकदम हवाई जहाज आसमान में ऊंचाई पर, टर्बुलेंस हुआ, एयर होस्टेस की सूचना। हैवी टर्बुलेंस होने के कारण सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि वो अपनी सीट पर बैठ जाए। टर्बुलेंस के दौरान आप टॉयलेट का इस्तेमाल ना करें और अपनी सीट बेल्ट बांध लें, ठीक है। अब ये सूचना हो गई, सबने सीट बेल्ट बांध ली, लाइट थोड़ी सी धीमी हो गई। अब भाई साहब टर्बुलेंस थोड़ा सा और बढ़ा, अब हवाई जहाज यू हो ऐसा, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा लोग गड़े, कुछ कोई पीछे से है ना, क्या हो रहा है ये, कोई बाइक साइड वाला क्या हो रहा है ये। थोड़ी देर बाद भाई साहब हवाई जहाज ऐसे हो, आप सोचो जो जो हवाई जहाज में बैठा हवाई जहाज ऐसा होगा, आधे से ज्यादा चीखने लगे, चिल्लाने लगे, एक दूसरे की चीख सुनकर जो थोड़ी हिम्मत बांध के बैठे थे वो भी चिल्लाने लगे और पूरा हवाई जहाज चिल्लाने लगा। छोटी सी लड़की बैठी, उसके बराबर में कौन बैठा है? गबरू जवान। अब भाई साहब गबरू जवान भी चिल्लाने लगे, मम्मी बचा लो। टर्बुलेंस कंट्रोल हुआ, कुछ सेकंड ये था चला, टर्बुलेंस कंट्रोल हुआ और सेफ लैंडिंग हुई। इस पूरे हवाई जहाज के अंदर एक लड़की थी जो चिल्लाई नहीं, वो कितने साल की थी? 5 से 6 साल। अब गबरू जवान के ना माथे सिकुड़ने लगे, अपने ऊपर ना गुस्सा आने लगा, बोले छोटी सी बच्ची नहीं चिल्लाई, ये मैं क्यों चिल्लाया? भाई साहब राज पूछना पड़ेगा इस लड़की से, मतलब बड़ी शर्म की बात है ये कि बच्चे ने नहीं चिल्लाया और गबरू जवान ने चिल्लाया, उससे रहा नहीं गया, मतलब उसका शायद ईगो हर्ट हो गया है ना, कुछ तो उसके बेचारे को कुछ हुआ होगा। बोले लड़की से पूछता हूँ हुआ क्या, ये क्यों नहीं चिल्लाई, सब चिल्लाए। वो गया बेटा एक बात पूछो। जी अंकल पूछो। बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें टर्बुलेंस का मतलब पता है? बोले हाँ हाँ पता है। अब भाई साहब उसका तो गुस्सा और उठान पे, फिर ये क्यों नहीं चिल्लाए। बोले ये बता, जब तुझे टर्बुलेंस पता है और कितने देर जा हवाई जहाज हिल रहा था, तू क्यों नहीं चिल्लाई, सब चिल्ला रहे। बोले अंकल सच बताऊं? बोला हाँ सच बता बेटा, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे मेरे को बहुत हर्ट हो रहा है, मैं चिल्लाया तू नहीं चिल्लाई, तुझे भी चिल्लाना चाहिए था। बोला अंकल इस हवाई जहाज में ना जो पायलट था ना वो मेरा पापा था, और मुझे ये पता था मेरा पिता मुझे कुछ होने नहीं देगा, तो मैं तो एंजॉय कर रही थी झूले समझ के। विश्वास, इस लेवल का विश्वास क्या है आपको, क्या है आपको भाई साहब? हवाई जहाज जब जिसने कुछ इतनी ऊंचाई पे जाओगे टर्बुलेंस आने की संभावना है। अभी आप भी ऊंचाई पर जाने आए, नीचे तो चल नहीं रहे, करोड़पति बनने आए हैं, अरबपति बनने आए हैं, जब आप ऊंचाई पर जाओगे टर्बुलेंस नहीं आएगा क्या? उस टर्बुलेंस में जिसे अपने पायलट पर विश्वास है उसकी सेफ लैंडिंग भी होगी, और जिसे टर्बुलेंस पे विश्वास नहीं हुआ, अपने पायलट पर भरोसा नहीं हुआ, सारे चीखेंगे सारे चिल्लाएंगे। अब आप कौन से वाले यात्री बनना चाहते हो? आप कौन से वाले, चीखने वाले, चिल्लाने वाले, या ये फेद वाला जैसे उस छोटी सी गुड़िया को अपने पायलट फादर के ऊपर? हाँ जी कौन सा वाला सर बताओ? क्या हमें टर्बुलेंस नहीं आया होगा? 2.5 साल का करियर बिता दिया, डरे से नहीं कि दस्ती में 10 साल बिता दिए,
कितने टर्मिनल्स हमने झेले होंगे बॉस? झेले होंगे ना, 2.5 साल ओके लाइफ के साथ में कितने टर्मिनल्स आए होंगे, कितना लोगों ने कंफ्यूज किया होगा, कितना दिमाग में डाउट डाला होगा लोगों ने, बहुत बार टर्मिनल्स आए बॉस। लेकिन पायलट फादर यानी मिस्टर टी के साथ जी पर बहुत फिर भी उन्हें उठाता है, ये एटीट्यूड के साथ वो बंदा काम करता है। एक बार क्लैप कर दो मिस्टर टी। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टीम हैसिंग नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए दोस्तों। ओके थैंक यू दोस्तों।